बैठ के चला रहे हो, उल्टी जोड़ रखे, ट्रेन उल्टी जोड़ी हुई है, दोनों तरफ चलाने नहीं। छुक 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 रेल चली है जीवन की, मालगाड़ी ये नहीं, मालगाड़ी, मालगाड़ी तो बड़ी सी होती है, मालगाड़ी है भैया तो। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जा रहे हैं, मालगाड़ी है ये, मालगाड़ी किसे कहते हैं जिसमें माल बाल बढ़ा दिया थोड़ी स्पीड यार माल की गाड़ी है, मैं इतने भाग का पकड़ ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं सब लोग कमेंट में बताओ, मैं देखूंगी किसका कमेंट पहले आया है टाइम से, जो सबसे पहले कमेंट करेगा ना उसको मेरी तरफ से कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, मेरे को तो दे दिया करो गिफ्ट पहले, और गिफ्ट का टाइम होगा 1.5-2 घंटे का बस कृपया करके भरोसा ना करे, यही झूठा पुरुष है, दिस पुरुष इज झूठा, उसको 10 दिन की फ्री ट्रेन ना देंगे, ट्रेन जैसा सारे हिंट दे दो, तो रात के बज रहे 9:30 और हम 10 बज गए भाई, हम चले अलवर, अचानक प्लान बना हमारा, यहाँ फाटक बंद था, अब फाटक खुले, पूनम का फोन आया आ जाओ, और देखो हमारी दोस्ती, हमने दोस्ती में भाई आ गए, अब उधर जाके मैं पड़ जाऊंगी सारी सेवा पानी उन्हीं से करवाऊंगी, आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग, दे विल हैंडल माई डॉटर एंड माई खाना पीना एंड माई सेल्फ, कितनी बकवास इंग्लिश बोल आपको थोड़ी सी आती है, कितनी आई गो टू टेक्निक मैं नन्नु तो इतनी सिखाऊंगा नन्नु तो सिर्फ ना कहते ओ ओ ओ आज आपने नहीं करवाई नन्नु को नन्नु आज जोरी ना लगा रही थी नन्नु आज होगी देख कर खुश थी अम्मा भी कह रही थी मैंने करवाई पर पापा करवा के जाता है फोन आ लिया भाई अपीयर का जी भाई जी हाँ जी केएमपी पे चढ़ गए सो गए ये लोग छिक्के वेले लोग ये लोग अब आने लग रहे तुम्हें कोई काम नहीं है पूरी रात तो तुम हांडते रहते भूत बन के कैसे कर रहे हैं हंडोरे लोगो अंकल इनको भगाओ यहाँ से ना हमारा फोन ये जेब कतरा जेब फोन काट लेंगे हमारा विजय राम 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 जीजू जीजू हाय ये देखो जय हो अय्या नन्नू आवाज मारने लग रही कोई सुनी नहीं रहा नन्नू की नन्नू ऑर्डर दे इनको नन्नू ऑर्डर देने लग रही सबको सब बहरे हो गए आ नन्नू आ आओ आओ तो ठीक है आपकी जुराब रह गई वहां बेटू उल्टी हरकतों कितनी खुश रहती है कितनी खुश रहती उल्टी हरकतों में
मोहे छेड़ो ना क्यों लिया तेरे पीछे कर पीछे कर देखना कुछ कैप्चर ना हो जाए उका है ना ई रूम हम ले रहे हैं पर आकर भी हम यही काम कर रहे हैं आ जाओ थोड़ी देर लेटेंगे भाई भैया देखो मैंने चाबी बड़ी सोच सोच के दी थी ये चाबी वो चाबी फलाना ढिमकाना और ये रूम देख लो और हमारा रूम देख लो घनी छानी बन गई मैं हम जा रही हूँ बस ये देखना डार्लिंग इतनी अच्छी भी कहेगी पियो आप रह नहीं 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 पीयू ने बहुत दिमाग लगाया था यू कह रही सिक्स नंबर दो या सेवन दो मेरे का जो अच्छा लगे वो दे दो नहीं 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 मैं यही दे देती हूँ ठीक है भैया मत रखो ये सामान उस कमरे का है और यहाँ से कॉपीराइट आने शुरू हो सकते थे इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है जब भी कोई भी गाना चलता है तो उसको हम अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है यहाँ पर ये देखो मुस्कान की हरकतों को पूरा कैप्चर करते हुए मुस्कान अगर ये सुंदर लग रही है तो मेरे मेकअप की वजह से तो उसकी शक्ल पे ना जाए पूनम जी का भी मेकअप मैंने किया था लेकिन पूनम जी ने अपना मेकअप उतार दिया था इतनी अच्छी लग रही थी लेकिन नहीं उसी टाइम उतार दिया और यहाँ पर मुस्कान के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों गप्पे शप्पे मार रहे थे ये रही आरती जी जिनका एक्चुअली में फंक्शन था ये आरती इंस्टाग्राम की हमारी फ्रेंड हैं और इनकी सालगिरह थी ये अलवर में रहती हैं और ये है आरती की बहन तो हम लोग आए हुए हैं अलवर आरती की एनिवर्सरी की पार्टी में यहाँ पर हम सब इंजॉय कर रहे थे व्लॉग बना रहे थे और ये बैठी हुई हैं हमारी सेलिब्रिटी जी जिनके बिना कोई भी प्रोग्राम हमेशा अधूरा ही है तो ये है मेन हमारी अटेंशन सीकर और यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए क्योंकि अब केक कट होने वाला था तो हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और बहुत ही प्यारा लहंगा लग रहा था आरती जी का यहाँ पर मुस्कान जी व्लॉगिंग करते हुए और मुस्कान के जीजा जी एकदम मुस्कान की जड़ में खड़े हुए और वो पीछे लव बर्ड दिख रहा होगा वो लव बर्ड एक साथ ही रहते हमेशा वो लव बर्ड बिल्कुल आगे पीछे नहीं रहते यहाँ मुस्कान ने मेरा थप्पड़ मारा और मुझे लगा परी के पापा ने थप्पड़ मारा है यहाँ पर केक कटिंग के लिए सबको बुलाते हैं अरे जीजू एनिवर्सरी आपकी है बाकियों की नहीं है जीजू कह रहे आ जाओ सारे मिलके केक काटेंगे अरे जीजा जी भी गजब है यहाँ पर सब अपनी व्लॉगिंग वगैरह करते हुए मुस्कान भी अपनी व्लॉगिंग करते हुए मुस्कान का नाक देखो कितना चमक रहा है हम तीनों ने हाईलाइटर सीधा नाक पे इतना चिपकाया कि हम सब अपने नाक को चमका रहे थे मेकअप से जेजू रिंग रिंग तो दिखा दो पहना दो यहाँ पर मैंने नन्नू को जीजा जी को पकड़ाया था इस ब्लेसिंग के साथ कि अगली बार जब आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो तो आपकी गोदी में भी एक नन्ना मुन्ना बच्चा हो और केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर हुई हम सब भी स्टेज पर गए केक कटवाया और सब ने केक खाया मैंने पहनी हुई थी ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी जो कि सिंपल भी थी सोबर सी भी लग रही थी मुझे थोड़ा था कि इस बार चमक धमक ना डालूं मैं क्योंकि एक एनिवर्सरी पार्टी थी तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्या पहनूं बट लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया था कि ये साड़ी डालूं Yeah.
आप लोगों को मिलता है।